जय हिंद अशोक, बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है पूर्वी चंपारण से विंध्याचल जी। दोनों कानों के दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लगभग 75 दिन बाद और अब हम देखना चाहेंगे कान की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम कान को बाह्य रूप से देखना चाहेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कान का बाहरी हिस्सा। यहाँ किसी प्रकार का चीरा का टाका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। ठीक है, नो एक्सटर्नल इंसिजन कट मार्क्स। ठीक है, और अब हम कान के पर्दे की स्थिति का अवलोकन करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं आपके कान को। द नियो टिम्पेनम इज हेल्दी, ग्राफ्ट अटैक कंप्लीट, फैंटास्टिक। ये सामने नया पर्दा दिखाई दे रहा है जी। हल्का सा जुकाम का असर है, इसके लिए आपको दवा दी जाएगी। ठीक है, और वाल्सल्वा मैन्यूवर करना होगा। ठीक है, और अब हम दूसरे कान को देखना चाहेंगे। इधर शाबाश, कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का चीरा का टाका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। और सामने हम पर्दे की स्थिति को देख रहे हैं, फैंटास्टिक। द न्यू टिम्पेनम इज हेल्दी, ग्राफ्ट ऑप्टिक इज कंप्लीट, फैंटास्टिक। वंडरफुल, गुड। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे विंध्याचल जी, ऑपरेशन से पूर्व आपके सुनाई संबंधी तकलीफों का सुनाई का क्या स्तर था? बहुत कम था पहले, मतलब 30% था। अब ऑपरेशन के बाद आज हम बात कर रहे हैं तो सुनाई का स्तर कैसा है? बहुत अच्छा है, पहले से लगभग दोगुना हो गया है। 90% हो गया है। 90% हो गया जी। जैसे पहले आप अपने परिवार में दोस्तों के साथ में मोबाइल पे बातचीत करते थे तो आपको क्या तकलीफ रहती थी? काफी कम सुनाई देता था और बात करने में मतलब हिचकिचाहट होता था जी, मतलब बोरिंग महसूस करते थे हम। जी जी जी। और अब जब आप बात करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कैसा है? बहुत अच्छा है। आप हम सबको बोलते हैं कि कम बोलो, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि अब मुझे आवाज बहुत तेज लग रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिवर्तन आएगा। आपको अपने साथियों को बोलना पड़ेगा भाई धीरे बोलो, उसको बोला है कि धीरे बोलो। वेरी गुड, ठीक है। बस आपको अपने ओल्ड एलर्जी संबंधी प्रबंधन पे ध्यान देना होगा, बाकी सब बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।